नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स लाइव, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की हम जानकारी लेते हैं, तफसील से जानकारी इकट्ठा कर वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता जूही सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री रतिन घोष के यहाँ जो है 5 अक्टूबर की सुबह से जो है लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी नगर निगम में भर्ती घोटाले को लेकर जो है की जा रही है। दरअसल ईडी ने इससे पहले जो है तकरीबन 80 से 90 अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद से सुबह से ही उनके यहाँ जो है छापेमारी की जा रही है। 12 से अधिक जगहों पर पूरे पश्चिम बंगाल में ईडी अपनी छापेमारी कर रही है और जो हर जगह जो है छह सात अधिकारियों को तैनात किया गया है, ईडी के अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं ईडी के अधिकारी जो है उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें फिलहाल अभी इस बारे में जो है कांग्रेस टीएमसी की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है और ना ही रतिन घोष ने इसको लेकर कोई भी अपना आधिकारिक बयान दिया है। राजधानी कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना जिले समेत 12 से भी अधिक जगहों पर ईडी की रेड जो है की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री के यहाँ छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के लिए की जा रही है। हालांकि अभी तक ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि घोष और उनके सहयोगी ने नौकरी के बदले उम्मीदवारों से रिश्वत ली है या फिर नहीं। फिलहाल तलाशी जो है वो जारी है और अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। और ईडी इस मामले में जो है क्या कुछ कहती है ये तो जो है जाँच के बाद ही पता चल सकेगा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में होने जा रहे निवेशक सम्मेलन से पहले मिली सीएम धामी को बड़ी सफलता, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केतुरा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस इन्वेस्टर समिट की पहली जो बाधा थी वो सरकार की तरफ से पार कर ली गई है। यानी सरकार ने जो निवेश का लक्ष्य निर्धारित करा था कि निवेशक सम्मेलन से पहले 30,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित जो करा था कि उससे पहले एमओयू साइन कराए जाएंगे, उस पर 40,000 करोड़ के एमओयू अब तक धामी सरकार कर चुकी है। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लंदन का जो दौरा रहा वो काफी उत्साहजनक रहा। दिल्ली में जो रोड शो हुआ वो भी काफी उत्साहजनक रहा और इस दौरान लगभग 40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए गतिमान है। राज्य में किस प्रकार से युवाओं को लाभ मिल सकता है उसके लिए इन्वेस्ट के जरिए उद्योग स्थापित करने का काम करिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। कैमरामैन सुनील साथ अभय केन्तुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलंदशहर में वाहनों पर धार्मिक स्टिकर के खिलाफ हुई कार्रवाई, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में सीएम के आदेश पर जातिक सूचक सब लिखे वाहनों पर भी कार्रवाई हो रही है। दरअसल आपको बता दूं बुलंदशहर पुलिस लगातार ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाए हुए है। वहीं आज हिंदू दल के नेताओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाने को लेकर शिकायत की है। कहा है कि जिन गाड़ियों पर या वाहनों पर देवी देवताओं के नाम लिखे हैं उन पर चालान की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वहीं हिंदू दल के नेताओं का कहना है कि रामघाट क्षेत्र में राधे कृष्ण लिखे होने पर 2,000 रुपये का उनके कार्यकर्ता का चालान किया गया है। सरकार भले ही जातिक सूचक शब्द लिखे वाहनों पर कार्रवाई करे मगर जो हिंदुओं की भावना है उन पर ठोस नहीं पहुँचनी चाहिए। जो मोटर व्हीकल के तहत जो एक्ट बना हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि इस मामले को हम दिखवा लेते हैं, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होती होगी वो हम कराएंगे। बाकी जो लोग मुलाकात की है हमने उनको भरोसा दिया है कि ऐसा नहीं होगा, जो भी नियम अनुसार होगी वो कार्रवाई लगातार प्रशासन द्वारा की जाएगी। सीएम के आदेश पर लगातार पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। जिन वाहनों पर जातिक सूचक शब्द लिखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उत्तराखंड का दौरा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तुषार गुप्ता। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, खुद गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। 7 अक्टूबर को उनका जो पूरा दौरा है वो प्रस्तावित रहेगा उत्तराखंड के लिए और सबसे पहले जो नरेंद्र नगर है वहाँ अमित शाह पहुँचेंगे। मध्य क्षेत्र की जो बैठक है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर बैठक जो अध्यक्षता खुद अमित शाह करेंगे, उसमें 4 जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के वो वहाँ पर पहुँचेंगे और साथ साथ जितने भी कहा जाए कि जो
अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे और बातचीत होगी आपदा के को लेकर, तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात होगी उत्तराखंड से लेकर, और वो चार राज्यों की जो मूल समस्याएं हैं वो जानेंगे, और उसके बाद जो पार्टी कार्यालय में उत्तराखंड के जो देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे, और उसके बाद जो कार्यक्रम रखा गया है 3 घंटों तक यहाँ पर बैठक चलेगी, 3 अलग अलग बैठकें हैं अमित शाह की, और साथ साथ जानेंगे कि उत्तराखंड का क्या हाल है क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में जो भाजपा है पहले से ही तैयार नजर आती है और उसने ये ठान लिया है कि उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार जीतने जा रही है, और उसके लिए ही इस बार अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। कैमरा निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर में बेलगाम हुए भूमाफिया, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर में भूमाफियाओं की दबंगई कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बताते चले, एक मामला मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना अंतर्गत नकहरा के पास में सदर तहसील का जो एक मामला सामने आया हुआ है, जो एक पीड़िता है, पीड़िता की जमीन जो है, जमीन अपना पूरी तरह से जो उसके नाम है सारे पेपर तो उसके लीगल हुए हैं, फिर भी एक भूमाफिया किसी के व्यक्ति ने उनको जबरदस्ती डराते धमकाते हैं, और जब भी वो अपने कब्जा लेने के जाते जो कुछ निर्माण करने की वो महिला जाती है तो उस पर वो जो है कि लड़ाई झगड़े करने के लिए आते हैं, लोगों को दबंगई के जरिए फोन करती हैं और लोगों को बुलाते हैं, वो दबंग इतने किस्म का टाइप के हैं कि झगड़ा हमेशा करने के लिए उतावले रहते हैं। आपको बताते चले, ये महिला इतनी पीड़ित हो चुकी है कि पीड़ित अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपनी जो सुनवाई है उन्हें जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आई, उन्होंने अपना एप्लीकेशन उनको दिया, एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय ने किया, कहा कि जल्द सर आपकी उन्होंने आदेश दिया और कहा जल्द से जल्द आपकी सुनवाई की जाएंगे। आपको बताते हैं देवरिया जो कांड हुआ था उस कांड के बाद योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि भूमाफियाओं अवैध जमीन जो ये सब लोगों का कब्जा कर रहे हैं इस पर तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए और उनको न्याय और जो पीड़ित है उनको न्याय दिया जाए और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारे सहयोगी महेंद्र साहब, कमलेश कुमार, मिर्जापुर। आगरा में SOG सर्वेलांस की टीम को मिली कामयाबी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आगरा के थाना बसौनी क्षेत्र के अंदर हुई घटना का खुलासा किया गया है। दरअसल आगरा के थाना बसौनी क्षेत्र के अंदर एक लूट की घटना का आज आगरा पुलिस ने खुलासा किया है। मध्य प्रदेश से किराए पर करके लाए गाड़ी को लूट लिया गया था आगरा के थाना बसौनी क्षेत्र के अंदर, जिसको कि आज आगरा पुलिस और थाना बसौनी इंचार्ज वीरेंद्र कुमार और SOG और सर्विलांस की टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस कार को बरामद कर लिया गया है, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह लूट की घटना आज से 15 दिन पहले आगरा के थाना बसौनी क्षेत्र में हुई थी, जिसका आज लूट की घटना का खुलासा आगरा पुलिस ने किया है, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। यह घटना आगरा DCP सोमेंद्र मीणा की लीडरशिप में थाना बसौनी इंचार्ज वीरेंद्र कुमार द्वारा यह कार्रवाई की गई है। एक लूटी हुई कार को बरामद कर लिया गया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनको जेल भेजा जा रहा है। आगरा से रामू कैमरामैन प्रजापति के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। लखनऊ में अवैध हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की छापेमारी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शुभम पांडे। लखनऊ में लगातार अवैध अस्पतालों को लेकर के लगातार कार्रवाई जो है सामने आ रही है, देखा जा सकता है बीते कई दिनों में लगातार स्वास्थ्य विभाग का महकमा जो है लगातार कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार जो छापेमारी है वो की जा रही है। वहीं जो है लखनऊ के इटौंजा और अमानीगंज गाँव में जो है जा करके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान जो है जो अवैध क्लिनिक संचालक था उसकी तरफ से जो है जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँची तो तुरंत उसने जो है अपनी क्लिनिक बंद करके वहाँ मौके से फरार हुआ। मौके से फरार होने के बाद उसने जो है अपने गुर्गों को बुलाया और साफ कहा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेरने की कोशिश की और जबरदस्ती जो है कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हावी होने की और एक अभद्रता जो है वो साफ तरीके से सामने आई। उसी को लेकर के लगातार जो है स्वास्थ्य महकमा लगातार जो है कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा, जहाँ वहीं जब क्लिनिक में कई सारे मरीज जो है मिले थे तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एम्बुलेंस बुला करके सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, सभी का इलाज जो है चल रहा है। साफ कहा जाता है जिस तरीके से लगातार जो छापेमारी चल रही उसमें जो छोलाछाप डॉक्टर हैं, जो अवैध हॉस्पिटल हैं, उनके जो संचालक के मालिक हैं वो जो उनके कहने के कारनामे से लगातार उजागर होते दिख रहे हैं, तो जाकर के जो बौखलाहट है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। बस मुंबई इंडिया वाइज से लिखता हूँ। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
के बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली में सुसाइड नोट लिखकर महिला हुई लापता, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। पति और उसके दोस्तों से परेशान होकर एक महिला ने अपनी दुधमुही बच्ची के साथ सुसाइड नोट लिखकर घर से लापता हो गई और 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला। पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र इंदिरा नगर का है। बता दें कि नगर पालिका में रिटायर्ड बाबू के पद पर तैनात उसके पिता जो इंदिरा नगर कॉलोनी में रहते हैं, उसकी बेटी बीते 48 घंटों पहले घर में एक सुसाइड नोट लिखकर अपनी दुधमुही बच्ची के साथ घर से लापता हुई। पूरी जानकारी तब हुई परिजनों को जब घर में वो सुसाइड नोट मिला। हालांकि सुसाइड नोट मिल जाने के बाद परिजनों में हड़कंप का माहौल दिखा और कई घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। बता दें कि पत्नी जो उसकी बेटी है नूपुर श्रीवास्तव, वो अपने पति और उसके दोस्तों से लगातार परेशान रहा करती थी। साफ तौर पर उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके पति के दोस्तों के द्वारा उसके ऊपर छींटा कसी की जाती थी और उसके पति अक्सर दारू पीकर घर आते थे। कमाई कजाई न होने के कारण वो लगातार अपने दोस्तों के साथ घर आते थे और किसी कमाई में नहीं लगा करते थे और लगातार घूमा टहला करते थे, जिससे उसकी पत्नी ने आज ही जाकर ये कदम उठाए हैं। बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी होने के बाद उसके परिवार वालों में कोहराम का माहौल है और परिजनों के द्वारा रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी और उसकी बच्ची दुधमुही अभी भी गायब है और 48 घंटे बीत जाने के बाद उसका कोई पता नहीं चला। तो परिजनों के द्वारा शहर कोतवाली क्षेत्र में लिखित तहरीर के आधार पर सूचना दर्ज कर ली गई है और पुलिस लगातार खोजबीन का प्रयास कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद महिला नूपुर श्रीवास्तव और उसके साथ में उसकी दुधमुही बच्ची का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। हालांकि पुलिस की जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि अभी तक पुलिस के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और महिला और उसके साथ में बच्ची को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि महिला अपनी दुधमुही बच्ची के साथ किस तरह का कदम उठाती है या अभी वो कहीं जिंदा है। इस पूरे मामले की तलाश में रायबरेली पुलिस जुटी हुई है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। अखिलेश यादव प्रतापगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह। अखिलेश यादव प्रतापगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अखिलेश यादव का काफिला कल देर शाम पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर पहुंचता है। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से ये सवाल किया कि ये बताइए कि लोकसभा चुनाव कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है, उसकी क्या जमीनी हकीकत है। उसको कहीं ना कहीं उन्होंने जमीनी हकीकत की टोली और जो संभावित प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन किया उन लोगों से मुलाकात की और उनसे पूछा किस तरीके से आप चुनाव जीतेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव का काफिला पुराने जो कई कार्यकर्ता जो पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके घर जाकर गए और उनसे जाकर मुलाकात की। उसके बाद अखिलेश यादव ने कई माइनॉरिटीज के नेताओं से मुलाकात की और उनका सबसे चौंकाने वाला जो दौरा रहा वो बसपा नेता के घर। उन्होंने बसपा नेता के घर जाकर मुलाकात की और उम्मीद ये जताई जा रही कि ये बसपा नेता जल्दी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती हैं। आपको बता दें कि ये जो बसपा नेता हैं इनके घर बसपा सुप्रीमो मायावती भी जा चुकी हैं। उसके बाद आज अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज दिया और उन्होंने कहा कि आप जाकर गांव से लेकर शहरों तक जाएं और लोगों से बताएं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसने किस तरीके से आपके लिए काम किया और किस तरीके से विकास पर काम किया और किस तरीके से हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या क्या काम करेंगे, केंद्र में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किस तरीके से काम करेंगे। अखिलेश यादव ने एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ताओं को बताया, उन्होंने कहा आप वोटर लिस्ट पर पूरा ध्यान रखिए और जो आपका वोटर है उसको ज़्यादा से ज्यादा वोट दिलाने की कोशिश करिए और उसका वोट पड़ जाए तब आप जाकर घर जाइए। तो अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रही अखिलेश यादव के दौरे के दौरान, उन्होंने लगातार ये जताने की कोशिश की कि वो सबके नेता हैं, सबके साथ हैं और हर जात वर्ग के लोगों के साथ हैं। तो अखिलेश यादव ने उसके बाद आज पत्रकारों से वार्ता की और पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जो बीजेपी की जो सरकार है जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके यहाँ CBI और ED भेज देती है और CBI और ED जो है वो फ्रंटल संगठन के जैसे काम कर रहे हैं, जैसे लगता है कि बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता जैसे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का दौरा आज समाप्त हुआ और अब अखिलेश यादव के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो समाजवादी पार्टी में गुटबाजी को खत्म करना है। अब देखना यह इस दौरे के बाद कितना समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में क्या प्रदर्शन करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया वाइज, प्रतापगढ़।
बलिया में संदिग्ध अवस्था में मिला अधेड़ का शव, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं संवाददाता करुणेश पांडे। बलिया में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कैसा, थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक पसनही नदी में एक अधेड़ का शव उतराया हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची, उस शव को बाहर निकाला गया और उस शव की शिनाख्त जो है पसनही नदी के बगल में एक रसो गाँव है, उसी गाँव में एक मल्लाह के रूप में उस शव की शिनाख्त हुई है। मैं आपको बता दूँ कि वह जो मल्लाह है वह मछली मारने का काम करता था और घर पर नहीं रहता था बल्कि घर से बाहर एक उसका डेरा था, उसी डेरे पर रह करके और वो मछली मारने का काम करता था। वहीं जब शव को बाहर निकाला गया तो शव के ऊपर कई जगह चोटें के निशाने थे, जिसको लेकर के परिजनों का ये आरोप है कि यह हत्या हुई है और हत्या की आशंका जताई, परिजनों ने आशंका जताई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है, शव को कब्जे में लेकर के और जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। नरेश पांडे मीडिया लाइव के लिए बलिया। रायबरेली में बदमाशों ने सरेरा की ताबड़तोड़ फायरिंग, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए भले ही सरकार के द्वारा अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी धरपकड़ करते हुए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में आए दिन नए नए अपराध हो रहे हैं और लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र के जमुनापुर चौराहे के समीप का है, जहां पर देर रात एक युवक बाइक से अपने साथी के साथ जा रहा था तो उसके ऊपर बदमाश नकाबपोश होकर उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे एक युवक के हाथ में तो दूसरे युवक के पीठ में गोली लगी, जिससे गोली लगने के बाद दोनों घायल हो गए और घटना स्थल पर फायरिंग होने के बाद स्थानीय लोगों का मजमा लग गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस, दोनों घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जमुनापुर चौराहे के समीप का है, जहां पर यशवंत और सुनील सैनी दोनों एक प्राइवेट जॉब करते हैं। नौकरी करने के बाद वो अपने घर के लिए वापस जा रहे थे, तभी जमुनापुर चौराहे के समीप नकाबपोश बदमाशों के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग होने के बाद एक लोगों के पीठ में गोली लगी और दूसरे के हाथ में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि गोली की तड़तड़ाहट सुनने के बाद स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचते ही देखा कि नकाबपोश बदमाश वहां से फरार हो गए। बता दें कि बदमाशों के भागने की सूचना जैसे ही पुलिस को स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई, वहां घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के द्वारा बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर उनका इलाज करवाने लगी और अभी भी आपको बता दें कि दोनों घायल जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि लगातार रायबरेली पुलिस के द्वारा जो इस तरह के अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन रायबरेली जिले में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो लगातार खाकी को सवालों के घेरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही। बता दें कि इस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में रायबरेली पुलिस का कहना है कि जो नकाबपोश बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई उनके खोजबीन का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उनको गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। दिल्ली में आप सांसद की गिरफ्तारी के बाद आपका प्रदर्शन जारी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। आम आदमी पार्टी के बाद कल तमाम ऐसे नेता है जो कि जेल के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी संदर्भ में देखिए, ईडी ने कई दिनों तक लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की। अब इसी संदर्भ में आप सांसद, राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, जिनके घर पे छापेमारी हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। बीते दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है, 7 से 8 घंटे लगातार छापेमारी की गई और कहा जा रहा है ईडी के पास पुख्ता सबूत है, जिसको लेकर ईडी ने ये छापेमारी की थी और उसके बाद गिरफ्तारी की थी। दरअसल ये पूरा मामला दिनेश अरोड़ा से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आप सांसद यानी कि संजय सिंह
ने यहाँ पे सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात करवाई थी। 100 करोड़ के लेन देन का ये पूरा मामला है और इसको लेकर विधानसभा चुनाव जो पिछले राज्यों में थे उनमें ये चुनावों में प्रचार के लिए पैसे लगा दिए गए थे। ईडी के पास पुख्ता सबूत बताए जा रहे हैं और इसी के आधार पर ईडी ने जो है गिरफ्तार की है आप सांसद। उसके बाद वार्ड पलटवारे का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि ये हथकड़ी धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल तक जाती हुई नजर आ रही है, कोई सबूत तो होगा इसके लिए गिरफ्तारी हुई है। तो आप लगातार कह रही है कि बीजेपी बौखला गई है हार के कारण, वो लगातार एक के बाद एक नेताओं के घर छापेमारी कर रही है और इस तरीके के ईडी और सीबीआई को आगे भेज रही है और चुनावी मोड जैसे ही आता है वैसे तमाम इनके जो ये सरकारी एजेंसियां है वो एक्टिव हो जाती है। और इसको लेकर देखिए दिल्ली हो, पुणे हो, मुंबई हो या फिर यूपी के कई इलाके हो जहां पे प्रदर्शन लगातार आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय की तरफ अब दिल्ली में कूच करने को चल रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे आपके कार्यकर्ता है जिनको डिटेन कर लिया, हिरासत में लिया गया है। तो वहीं राजघाट पे देखिए बापू के समाधि के पास जाके आम आदमी पार्टी की सद्बुद्धि के लिए बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और वार पलटवार तो चल रहा है। अब देखना होगा कि पेशी के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुटेशन इंडिया। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतने, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।